नमस्कार व्यूअर्स, गुड इवनिंग। मैं नाम डॉक्टर सुबोध सिंह, मैं रेटना सर्जन हूँ आरिस आई केयर रांची में। कोविड के इस टाइम में सबसे मेरा ये कहना है कि आज के डेट में सभी अपने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सब अपने घर पे हैं। ऐसे सिचुएशन में सबके लिए हॉस्पिटल आना जाना बहुत मुश्किल हो रही है। कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, फॉलोअप्स की ज़रूरत पड़ती रहती है, बट घर से नहीं निकलने के वजह से ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा है या बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं जो डॉक्टर से वो मिलकर वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही इस सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने पेशेंट्स को या अपने व्यूवर्स के पास जाऊँ और उनके जितनी क्वेरीज हैं अपने हेल्थ रिलेटेड उसको मैं सॉल्व कर सकूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आज बेसिकली डायबिटिक रेटिनोपैथी के ट्रीटमेंट और एडवांसमेंट्स और इसके अवेयरनेस के बारे में बताने के लिए आया हूँ। सबसे पहले मेरा ये कहना है कि आज के डेट में डायबिटीज़ एक इमर्जिंग डिजीज़ है जो कि धीरे धीरे इसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया इस वक्त सेकंड पोजीशन में है डायबिटिक पेशेंट्स के मामले में, नंबर वन पे अमेरिका है। पर जिस स्पीड से ये डिजीज़ हमारे कंट्री में ये बढ़ रही है, नियर 2030 के टाइम तक ये इंडिया US को भी लीड कर जाएगी। मतलब इंडिया विल बी अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हमारे इंडिया में होंगे। जो आंकड़े बता रहे हैं कि इस वक्त टोटल नंबर्स में अगर हम बात करें तो 7 करोड़ डायबिटिक पेशेंट्स हैं इंडिया में, जिसमें 50% ही डायग्नोज्ड हैं। मतलब साढ़े तीन या चार करोड़ डायबिटिक पेशेंट्स हैं। और इन डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें जिसमें आँखों में इसकी बीमारी होती है, डायबिटीज़ से एक मल्टी सिस्टम और डिजीज़ और है जो आँखों को या ब्रेन को या हार्ट को या नर्व को अफेक्ट करता है या किडनी को अफेक्ट करता है। तो अगर मैं आँखों की बात करूं तो ये 3-3.5 करोड़ या 4 करोड़ जो पेशेंट्स हैं उसमें अभी 1.5 करोड़ पेशेंट्स ऑलरेडी उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो चुकी है। और अगर इस डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी अगर हम बात करें कि सीरियस ब्लाइंड आई डिजीज़ की बात करें तो ये अराउंड 1 करोड़ पेशेंट्स हैं जिसमें ये डायबिटिक ब्लाइंड आई डिजीज़ हो चुकी है। मैं क्यों आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिजीज़ डे बाय डे, ईयर बाय मंथ, ईयर बाय ईयर इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो अगर डायबिटिक पेशेंट्स की संख्या बढ़ेगी तो डायबिटिक रेटिनोपैथी या ये ब्लाइंडिंग आई डिजीज़ भी आँखों में बढ़ेगी। इसीलिए इस डिजीज़ के बारे में जानना, इसकी प्रिवेंशन, इसको सही टाइम पे अगर ट्रीट करते हैं तो हम अपनी आंखों को बचा सकते हैं, क्योंकि यह डिजीज़ आंखों की रोशनी को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और इसका कोई इलाज नहीं होता है अगर इससे रोशनी चली जाए तो। इसीलिए इसको टाइमली ट्रीटमेंट करना, टाइमली डायग्नोज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर इस बीमारी को हम ट्रीट करें या डिटेक्ट करें तो इसको हम लोग इस बीमारी को रिवर्स भी कर सकते हैं, इनफैक्ट बीमारी को रोक सकते हैं। ये इम्पोर्टेंस है डायबिटिक रेटिनोपैथी को ट्रीट करना अर्ली स्टेज में और इसके बारे में जानकारी रखना। बेसिकली अगर हम बात करें तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती क्या है। जो डायबिटीज़ होता है वो बेसिकली वेसल्स को अटैक करता है। शुगर काफ़ी दिनों से रहने की वजह से आँखों का जो एक पोर्शन, सपोज ये हमारी आँख है, ये इसके आँख का ये सामने कॉर्निया है, ये पीछे लेंस होता है और ये जो आप देख पा रहे हैं ये पीछे आँख का रेटिना पर्दा जिसको बोलते हैं, यह पर्दा आँखों पे की पर्दे में खून की नलियाँ होती हैं जिसको रेटिनल वेसल्स बोलते हैं। डायबिटीज़ मेनली इस आँख के पर्दे के खून की नलियों को अफेक्ट कर देता है, जिससे यह आँख का अंदर का पर्दा धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। इसमें खून लीकेज होने लगता है, स्वेलिंग होती है, जिससे आँख का पर्दा खराब होने लगता है। इसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी के प्रिवलेंस और इसके बारे में तो मैंने अभी आपसे जिक्र कर दिया कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है इसको ट्रीट करना, क्योंकि जितना ही नंबर्स बढ़ेगा डायबिटीज़ के उतने ही ब्लाइंड पेशेंट्स की नंबर्स बढ़ेगी डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से। और ब्लाइंडनेस हमारे लिए नॉट ओनली इकोनॉमिकल बट सोशल बर्डन भी है हमारे लिए, इसलिए डायबिटिक रेटिनोपैथी का टाइमली ट्रीटमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे डायबिटिक की बात करें कि डायबिटिक
बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास डायबिटिक, जिसमें कोई 5 साल से डायबिटीज़ है, किसी को 10 ईयर्स से है, किसी को 20 ईयर्स से है। पेशेंट ज़्यादातर कंप्लेन करते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी से आँख का जो प्रॉब्लम मुझे ही क्यों हुआ, या वो पेशेंट्स या दूसरे पेशेंट्स के बारे में बात करते हैं, उनको नहीं हुआ, उनको क्यों नहीं हुआ, उनको 20 साल से, उनको 10 साल से है। तो मैं बता दूं कि ये डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप करने का सिर्फ वजह डायबिटीज़ ही नहीं है, इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है और उसका शुगर पुअरली कंट्रोल्ड है, पेशेंट के HbA1c 7 से बिलो हुआ ही नहीं, 8, 9, 10 फ्लक्चुएट करते जा रहा है और शुगर कभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ऐसे पेशेंट को रेटिनोपैथी बहुत पहले डेवलप करती है। दूसरा फैक्टर इसका ड्यूरेशन, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ काफ़ी लंबे ड्यूरेशन से है तो आँखों के पर्दे का में इन्वॉल्वमेंट या डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर हम कैटेगराइज करें तो डायबिटिक पेशेंट्स यूजली दो कैटेगरी के होते हैं, Type 1 और Type 2 डायबिटीज़। Type 1 मतलब हुआ जो यंग पेशेंट, जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, जिनका डायबिटीज़ अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है, ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली मतलब अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 15 से 20 ईयर्स में नियरली 100% आँखों पेशेंट्स को आँखों के पर्दे की बीमारी शुरू हो जाती है। बट अगर मैं Type 2 डायबिटीज़ की बात करूं, जो कि एज रिलेटेड होता है, मोर देन 40 एज वालों पेशेंट्स में होता है, उनमें अगर रेटिनोपैथी की बात करें तो 15-20 साल के अंदर में 60% ऑफ द पेशेंट्स को डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप कर जाती है। इसीलिए ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ड्यूरेशन शॉर्ट लॉन्गर द ड्यूरेशन, मोर चांस ऑफ गेटिंग दिस डायबिटिक रेटिनोपैथी। दूसरे फैक्टर्स में आता है कि अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो वो भी एक वजह है आँखों का डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाने का और रेटिनोपैथी जल्दी डेवलप करने का। दूसरा है अगर पेशेंट को रिनल डिजीज़ है, अगर किडनी की प्रॉब्लम है, तो ये पेशेंट्स को भी रेटिनोपैथी ऑल अर्ली और एग्जैजरेटेड वे में डेवलप करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा का कम हो जाना, ये भी एक फैक्टर है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़े रहना, इसमें विजन थ्रेटनिंग रेटिनोपैथी डेवलप करती है। इवन इन प्रेगनेंसी में भी, अगर पेशेंट को कोई डायबिटिक है और वो अगर प्रेगनेंसी होते हैं तो ऐसे पेशेंट्स में अगर पेशेंट की रेटिनोपैथी डेवलप हो चुकी है तो ये डिजीज़ और फास्टली प्रोग्रेस करती है प्रेगनेंसी में। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को अगर ऐसा डायबिटिक रेटिनोपैथी है या डायबिटिक हैं, उनका रेटिना चेकअप करना चाहिए। ये सब रीज़न है जिसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप कर जाती है। और अगर हम लोग इसमें सिम्टम्स की बात करें, अगर पेशेंट्स को कैसे पता चलता है कि उसको रेटिनोपैथी है या नहीं है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी अर्ली स्टेजेस में एक साइलेंट डिजीज़ की तरह होता है। मतलब इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं, इसके आँखों के पर्दे पर बीमारी ग्रेजुअली स्लोली डेवलप करते रहता है, बट ये विजन को थ्रेट नहीं करता। बट अगर ये ड्यूरेशंस लंबा होते जाता है, लॉन्गर ड्यूरेशंस अगर डायबिटीज़ की होती है, तो ये विजन को थ्रेट करना शुरू करता है। तो पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो 2-3 कैटेगरी से के पेशेंट्स होते हैं। एक, जिसको डॉक्टर ने बताया कि आपको आई चेकअप की ज़रूरत है, जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं, डायबिटिक डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो एक टाइमली पेशेंट्स को रेफर करते हैं। वो पेशेंट आते हैं कि हाँ, मुझे डॉक्टर शुगर के डॉक्टर ने बोला आई चेकअप के लिए, सो मैंने अपना आई चेकअप के लिए आया हूँ। ऐसे अगर बात करें तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डॉक्टर ने बोला इसलिए चेकअप करा रहे हैं। ये एक प्रेजेंटेशन होता है पेशेंट्स को आने का। दूसरा होता है कि पेशेंट्स को डिजिटल मीडिया ये सब अवेयरनेस से होती है कि हाँ, शुगर वाले मरीजों की आँख चेकअप है, तो वो पेशेंट आते हैं कि हाँ, मुझे रेटिना चेकअप की ज़रूरत है। तीसरे पेशेंट्स जिसमें विजन ऑलरेडी कम हो चुकी है, उनको किसी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डायबिटिक हैं तो आपको रेटिना चेकअप कराना चाहिए, आई चेकअप कराना चाहिए, सीधा वो तब जंप करते हैं जब उनकी ऑलरेडी रोशनी कम हो चुकी रहती है। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन अभी आज के डेट में जो हम लोग देख रहे हैं कि जब पेशेंट की विजन कम हो जाती है तब वो दिखाने आते हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं रहता है कि आंखों का चेकअप होना चाहिए। अगर मैं डायबिटिक हूँ तो मेरी आंखों की चेकअप होनी चाहिए, एक रेटिना चेकअप होना चाहिए रेटिना के डॉक्टर से, बट उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। जब विजन कम हो जाती है तब वो प्रेजेंट करते हैं डॉक्टर के पास, और उस समय ये बीमारी ऑलरेडी एडवांस स्टेज में चली जाती है। इसलिए मेरा व्यूवर्स को ये
सलाह है कि अगर कोई भी पेशेंट अगर आपके ये में अगर डायबिटिक है, उनको ये अवश्य सलाह दें कि एक सर्टेन टाइम पे ही उनकी आंखों की जांच होनी चाहिए। ये हो गया प्रेजेंटेशन की पेशेंट का बात है। अब पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, अगर सिम्टम्स डेवलप करता है तो पेशेंट के सिम्टम्स क्या होती है। यूजली पेशेंट, कुछ पेशेंट्स आते हैं जो बोलेंगे आंखों के सामने ब्लैक 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 स्पॉट्स आता है, जिसको हम लोग फ्लोटर बोलते हैं, या कभी कभी पेशेंट बोलते हैं फ्लैशेज आ रही है, कभी पेशेंट बोलते हैं विजन ब्लर हो गया, धुआं धुआं, या विजन के सामने पैची पैची ब्लैक ब्लैक्स दिख रहे हैं, जो कि यूजुअली इसको फ्लोटर बोलते हैं। कुछ पेशेंट कहते हैं कि उनकी विजन ब्लर हो गई है, धुंधली सी हो गई है। कुछ पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं विजन डिस्टॉर्ट हो गया है, जो इमेज देख रहे हैं वो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। या कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सडनली आंखों में रोशनी, नज़दीक की रोशनी कम हो जाती है। बट ये सिम्टम्स से बहुत पेशेंट कन्फ्यूज जाते हैं, उनको लगता है कि मेरी सडन नज़दीक की रोशनी कम है, जो कि यूजली ओल्ड एज पेशेंट्स में होता है, 40 ईयर्स के बाद नज़दीक की रोशनी कम होती है, तो उन्हें लगता है कि मेरी रोशनी नज़दीक की कम हो रही है उम्र के वजह से। वो ग्लास चेकअप के लिए जाते हैं, ग्लास पावर चेंज हो जाता है और वो चेंज करते जाते हैं ग्लास। बट इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है, जो नज़दीक की रोशनी का सडन कम हो जाना, ये जस्ट बेसिकली डायबिटीज़ की वजह से भी होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी डायबिटिक रेटिनोपैथी या डायबिटीज़ की वजह से आई चेकअप का इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कुछ पेशेंट का सडन लॉस ऑफ विजन भी के लिए से भी आते हैं, या किसी में कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो जाता है सुन बहुत जल्दी ही, क्योंकि डायबिटीज़ के। तो ये सब लक्षण है जिसके वजह से पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए या डॉक्टर के पास आते हैं। लोगों को मेरा ये सुझाव रहता है कि आज अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। डायबिटिक पेशेंट्स को कभी भी अपने विजन का कम होने का वेट नहीं करना चाहिए। हमारी नॉर्मल या नेचुरल टेंडेंसी यही है कि हम डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अपने डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, लेकिन जब तक आंखों में दिक्कत नहीं है हम लोग या डॉक्टर से दिखाते नहीं है। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है इसमें डायबिटिक पेशेंट्स में। ये पेशेंट्स को यूजली अगर डायबिटिक हैं तो उनको एक अपना आई रेटिना चेकअप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सब सिम्टम्स को लेकर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जिसमें उसके फिर डिफरेंट कॉज हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उस पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलता है। अब आते हैं हम लोग इसके ट्रीटमेंट। डायबिटिक रेटिनोपैथी का ट्रीटमेंट अगर हम 10 साल या 15 साल पहले की बात करें तो देयर वाज वेरी लिमिटेड ट्रीटमेंट, बहुत ट्रीटमेंट नहीं था इस डिजीज़ का, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी। ज़्यादातर पेशेंट्स डायबिटिक रेटिनोपैथीज थे, अल्टीमेटली वो ब्लाइंड आई डिजीज में कन्वर्ट हो जाते थे और रोशनी उनकी चली जाती थी। बट इधर रिसेंटली बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है रेटिना के ट्रीटमेंट में, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज में। आजकल लेजर ट्रीटमेंट के आ जाने से, आजकल इंजेक्शंस एंटीवेजफ के आ जाने से ट्रीटमेंट टोटली चेंज हो गई है सिनारियो। आज के डेट में हम, या रेटिना सर्जरी के आ जाने से आज के डेट में हम इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि पेशेंट की ऑलरेडी विजन 70-80% 90% लॉस हो जाने के बाद भी पेशेंट को कि विजन को हम लोग अचीव कर पा रहे हैं आफ्टर रेटिना सर्जरी और ये जो ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं। सो प्रेजेंट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी और साइंस, मेडिकल साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें सिनारियो टोटली चेंज हो गया है। आज के डेट में हम लोग पेशेंट को कि विजन को रिट्रीव करने में, उसको वापस लाने में काफ़ी हद तक सफल हो चुके हैं। बट कोई भी ट्रीटमेंट पे मेरा एक ही सजेशन रहता है कि उस डिजीज़ को, उस कॉम्प्लिकेशन तक हम लोग क्यों जाने दें, वाई नॉट एट अर्ली स्टेज, शुरुआती टाइम पे ही क्यों ना हम लोग उस डिजीज़ को रोक सके कि इस कॉम्प्लिकेशन में ना पहुँचे। कि वो डिक्टम है ना हम लोग जो बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो वाई नॉट टू प्रिवेंट डायबिटीज़, वाई नॉट टू प्रिवेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी, वाई टू गो फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ही क्यों करें। तो अगर हम ट्रीटमेंट में बात करें तो सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हम डायबिटीज होने से बचें, क्योंकि दैट इज द रीजन फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगर उस रीजन को ही नहीं आने देंगे तो ये ब्लाइंडिंग आई डिजीज नहीं आ सकती। और डायबिटीज़ को रोकने के लिए आज के डेट में जो लोगों को डायबिटीज़ जो बढ़ती जा रही है, होने का जो वजह अब वो हेरिडिटरी कॉज नहीं रहा, जो पहले पेरेंट्स को होता था तो नेक्स्ट जनरेशन में डायबिटीज़ हो रहा है, अब वो प्रॉब्लम नहीं रही। आज के डेट में द रीज़न इज समथिंग डिफरेंट फॉर डेवलपिंग डायबिटीज़।
आज के डेट में हमारा सेडेंटरी लाइफ जो सबसे मेजर फैक्टर है डायबिटिक होने का, ओवरवेट हो जाना, काफ़ी स्ट्रेस में रहना, ये सब फैक्टर है जो हमारे एक्टिविटी को कम कर देता है। ओवरवेट होना, जंक की फास्ट फूड खाना, ये सब हमारे इंसुलिन रिसेप्टर्स को रेजिस्टेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट हमारे आँखों पे, मतलब डायबिटीज़ को डेवलप होने में हेल्प करता है। इसलिए सजेशन मेरा ये रहेगा कि हम लोग क्यों ना डायबिटीज़ को रोकने का कोशिश करें। और अगर डायबिटीज़ अगर किसी को डेवलप कर जाती है तो ऐसे केसेस में हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने का सोचना है। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल होगी तो ये डिजीज़ को डेवलप होने में टाइम लगता है। अगर एक पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ है तो वो जो रेटिनोपैथी 2-3 साल में डेवलप करेगी, और अगर ये वेल कंट्रोल्ड अगर डायबिटिक है तो वो 8-10 साल बाद डेवलप करेगा। सो ये जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ब्लाइंडनेस से स्पेयर होएगी, मतलब हम लोग मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द लाइफ मतलब विद विजन हम लोग कर सकते हैं व्यतीत। इसीलिए हमारा फोकस मेन है कि हम लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। सो सेकेंड फैक्टर इज जस्ट टू कंट्रोल योर डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी तो ये विजन थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स कम आएंगे, पेशेंट्स की मैक्सिमम रेस्ट ऑफ द लाइफ उसकी विजन के साथ जाएगी। तीसरे जो हमारे अदर्स फैक्टर्स हैं, रेगुलर आई चेकअप की ज़रूरत है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ बार बार कि पेशेंट को आँख का जाँच की ज़रूरत है या आई चेकअप की ज़रूरत है, तो इसमें कैसे मतलब चेक करते हैं, मतलब लाइक कब होना जाना चाहिए, इसमें भी कुछ प्रोटोकॉल्स डिसाइड किए गए हैं कि जैसे अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और अगर उसको Type 1 डायबिटीज़ है, लाइक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, और वो यंग एज में डेवलप करता है, तो ऐसे पेशेंट्स को द टाइम ऑफ डायग्नोसिस से 5 ईयर्स के बाद आई चेकअप की ज़रूरत है। जो यंग पेशेंट जो 15-20 साल की उम्र में इनको डायबिटीज़ हो जा रही है, या दूसरा है या पुबर्टी स्टेज पे उनका आई चेकअप होना चाहिए। और Type 2 डायबिटीज़ में जो पेशेंट Type 2 डायबिटीज़ जो ओल्ड एज में होते हैं, उनको तो इमिडिएटली रेटिना चेकअप की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबे ड्यूरेशन से इनको डायबिटीज़ हुआ रहता है, उन्हें पता नहीं रहता है, जब तक पता चलता है तब तक रेटिना इन्वॉल्व कर चुकी रहती है। इसलिए Type 2 डायबिटीज़ जो 40 ईयर्स से ज़्यादा एज के डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको इमिडिएटली आई रेटिना चेकअप की ज़रूरत होती है। थर्ड होता है कि लाइक प्रेगनेंट लेडीज़, उनको भी अगर वो डायबिटिक हैं और वो कंसीव करना चाहते हैं तो उसके पहले एक बार अपना आई चेकअप की ज़रूरत है, क्योंकि इस डायबिटिक रेटिनोपैथी इनको अगर होती है तो ये काफ़ी फास्टली प्रोग्रेस कर जाता है। और एक बार अगर आपने जो अपने चेक किया, अपना डायबिटिक रेटिनोपैथी आपने चेक करा लिया, और इसके बाद का फॉलोअप टोटली डिपेंड करता है पेशेंट की उसके डेवलपमेंट के ऊपर। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है, सपोज मैंने आज एक पेशेंट को चेक किया, एक डायबिटिक पेशेंट मेरे पास आता है और मैंने उसकी रेटिना चेक किया, तो चेक करने के बाद ऐसे दो ही चीज़ हो सकती है, रेटिनोपैथी है या नहीं है। अगर उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं है तो ऐसे पेशेंट को एनुअल आई चेकअप की ज़रूरत है। उसको बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, साल में एक बार अपने डॉक्टर से रेटिना चेकअप कराइए। और अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो चुकी है तो ऐसे पेशेंट्स का फॉलोअप डिफरेंट होता है। अब उसमें हमें देखना होता है कि ये डायबिटिक रेटिनोपैथी किस स्टेज में है। अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो डायबिटिक रेटिनोपैथी 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक विजन थ्रेटनिंग डायबिटिक, जिसमें ऑलरेडी पेशेंट को ब्लाइंडिंग आई होने का कंडीशंस डेवलप कर चुके हैं, और एक होता है नॉन विजन थ्रेटनिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो कि अर्ली टू माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है, जिसमें विजन थ्रेटनिंग के चांसेस कम होते हैं। ऐसे पेशेंट्स का फॉलोअप 3-4 मंथ्स पे या 6 मंथली हम लोग करते हैं। बट अगर पेशेंट्स को विजन थ्रेटनिंग डायबिटीज़ है, रेटिनोपैथी है, तो ऐसे पेशेंट्स को डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ डिजीज, उसको 2 या 3 महीने पे, एवरी 2-3 मंथ्स पे उन्हें चेकअप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें एक टाइमली इंटरवेंशन ही इम्पॉर्टेंट है। वी कैन नॉट ट्रीट द पेशेंट बिफोर एंड आफ्टर द डिजीज़। इसमें एक सर्टेन स्टेज होता है, जो गाइडलाइंस हमारे को दी गई है उसमें एक सर्टेन स्टेज पे हम लोग पेशेंट को ट्रीट करना है, सर्टेन स्टेज पे हमें वेट एंड वॉच पॉलिसी पे रखना है, सर्टेन स्टेज पे पेशेंट को सर्जरी कर देना है। और ये कंडीशंस जो होते हैं वो आपके रेटिनोलॉजिस्ट
जो आपके रेटिना सर्जन है वो डिसाइड करते हैं। इसके लिए आपको फॉलोअप पे रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फॉलोअप मिस करेंगे तो ये डिजीज़ प्रोग्रेस कर जाती है विजन थ्रेटनिंग कंडीशन में, और उसके बाद अगर आप उसको ट्रीट करते भी हैं तो ये विजन को हम लोग रिवॉर्ड बैक नहीं कर सकते हैं। जबकि मैंने आपको बताया कि इसका ट्रीटमेंट में हम लोग काफ़ी, अगर अर्ली स्टेज में ट्रीट किया गया तो पेशेंट की 80-90% विजन को रिट्रीव कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा फॉलोअप प्रोटोकॉल कि कैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी या पेशेंट जो डायबिटिक हैं उनका फॉलोअप कैसे होना चाहिए। तो ये मतलब ये क्लियरली पेशेंट को ये आपको समझ में आ गई होगी कि फॉलोअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये नहीं कि विजन अगर लॉस होता है तो मैं डॉक्टर को दिखाऊँ, ये अर्ली फॉलोअप करना है, 6 मंथली फॉलोअप करना है या 3 मंथली, डिपेंड्स ऑन योर स्टेज ऑफ योर डिजीज। सेकेंड ट्रीटमेंट अभी फॉलोअप हो गया, हम लोगों ने शुगर मैनेजमेंट के लिए बात करा, हम लोगों ने अवेयरनेस पे बात करी। अब होता है कि सपोज पेशेंट्स की अगर आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो और आपने उसने बताया कि आपको विजन थ्रेटनिंग डिजीज कंडीशन में नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज में है, इस स्टेज में सिंपल डायबिटिक कंट्रोल से ही आपकी डिजीज और आपकी रेटिनोपैथी अर्ली स्टेज में वो रिवर्ट बैक भी हो सकती है, रिवर्सिबल स्टेज में भी जा सकती है अगर आप अपने शुगर को अच्छे से कंट्रोल करते हैं। सो अर्ली टू मॉडरेट स्टेज में कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। वी डोंट गिव एनी मेडिसिन टू द पेशेंट, सिर्फ हम लोग ये बताते हैं कि आप अपने शुगर को कंट्रोल रखिए एंड टाइम टू टाइम विजिट करिए। ये जस्ट शुगर कंट्रोल से ही आपकी डिजीज रिवर्ट बैक हो जाती है। इस तरह से फॉलोअप पे अगर पेशेंट को लाइफ विजन थ्रेटनिंग कंडीशन में अगर डिजीज आती है देन पेशेंट नीड्स द ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट में आज के डेट में जो एडवांसमेंट है, जो आज के डेट में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो चेंज हुई है, आज यूजुअली आज डायबिटिक रेटिनोपैथी को अगर ये विजन थ्रेटनिंग कंडीशन में चला गया है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स अगर आने लग जाए, ये सब इंडिकेटिव होता है कि आपके रेटिना में ब्लीडिंग हो रही है या विजन डिस्टॉर्ट कर रहा है, दैट मीन्स आपकी आंख का विजन सेंटर जिसको मैकुला बोलते हैं उसमें स्वेलिंग हो रही है, उसमें लीकेज हो रही है, या कभी ऐसा होता है कि सडनली वन साइड हाफ ऑफ द विजन फील्ड आपको दिख नहीं रही है, इसका मतलब वो है कि रेटिना डिटैचमेंट, आंख का पर्दा भी सिकुड़ने लगा है। तो ये सब कंडीशंस इंडिकेट करते हैं कि विजन थ्रेटनिंग कंडीशन में आंख जा रही है, तो उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। ये डिसीजन आपके डॉक्टर, आपके रेटिनोलॉजिस्ट जो रेटिना सर्जन जो आपको देख रहे हैं वो डिसाइड करते हैं इस चीज़ को। इसमें कुछ जांच करनी होती है पेशेंट्स को, कुछ सिंपल नॉन इन्वेसिव जांच होती है, वो रेटिनल स्कैन करके हम लोग इजीली उसको डिसाइड कर लेते हैं कि विजन किस वजह से कम है। ज़्यादातर डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज में लेज़र या इंजेक्शन या सर्जरी की जरूरत पड़ती है। एंड एक चीज़ मैं हमेशा बताऊँगा, बेसलाइन ट्रीटमेंट इज द डायबिटिक कंट्रोल। अब हम सर्जन कुछ भी ट्रीट करें आपको, बट अगर आपका शुगर नहीं कंट्रोल्ड है तो ये बीमारी रुकने वाली नहीं है। टाइम बीइंग ठीक हो जाती है, फिर से इसका अटैक आता है, फिर से विजन कम होने लगती है। इसलिए जो भी ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है आपका प्राइमरी फोकस है टू कंट्रोल द डायबिटीज, बिकॉज द रूट कॉज फॉर ब्लाइंडिंग आई डिजीज फॉर डायबिटीज इज जस्ट टू प्रिवेंट डायबिटीज, द रूट कॉज इज डायबिटीज। सो आपको शुगर को कंट्रोल करना है, उसके बाद डॉक्टर आपको ऑफर करते हैं लेजर इंजेक्शन या सर्जरी के, तो वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस है। यूजुअली अर्ली थ्रेटनिंग डिजीज में हम लोग लेजर या इंजेक्शन करते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पे इंजेक्शन लिया गया तो उसकी आँख खराब हो गई, या किसी और जगह से लेजर ट्रीटमेंट के बाद उसकी आँख खराब हो गई। बहुत सारे इसके साथ टैटूज लगे हुए हैं, इसके साथ स्टिग्मा लगा हुआ है कि ट्रीटमेंट से आंखों को और नुकसान हो जाता है, जैसा कि वो जो पेशेंट परसीव करता है, जो इस चीज़ को जो फील करता है कि ये कैसे ये प्रॉब्लम शुरू हुई, मतलब ये क्यों हो गया, उनको ये कोरिलेट करते हैं। जबकि मेरा ये कहना है कि बेसिकली डायबिटिक रेटिनोपैथी ऐसे स्टेज में उनकी पहुंच जाती है कि आप इवन लेजर के बाद भी वो नहीं रुकती, या इवन इंजेक्शन के बाद भी नहीं रुकती, और ऐसे पेशेंट्स को
वो डिजीज प्रोग्रेस कर जाता है और वो ब्लाइंडिंग आई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कभी नहीं सोचना है कि ये ट्रीटमेंट से आंख को और नुकसान होता है। राइट टाइम पे अगर 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 लेजर की जाती है तो आपकी बीमारी का प्रोग्रेशन 50% स्लो हो जाता है। राइट टाइम पे अगर आपको इंजेक्शन दिया गया तो आपका विजन इम्प्रूव कर जाता है। बट हमारे पेशेंट मैक्सिमम एडवांस स्टेज पे जाते हैं, बहुत दिन वेट करने के बाद जब रेटिना डिजीज रेजिस्टेंट हो जाता है तब ट्रीटमेंट लेते हैं, जिससे इसका इफेक्ट नहीं आता है। इसलिए ये ट्रीटमेंट को के साथ स्टिक रहना और उसको रेगुलर फॉलोअप पे रहने से आपकी विजन को बचाया जा सकती है। सबसे अभी रिसेंट एडवांसमेंट में मैं बताना चाहता हूँ कि रेटिना सर्जरी आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है। उसमें आजकल माइक्रोस्कोपिक विटेक्टमी रेटिनल सर्जरी होती है, जो आँख को बहुत ही लेस इन्वेसिव प्रोसीड्योर से आँख के अंदर की ब्लीडिंग को, क्योंकि रेटिनोपैथी में आँख के अंदर हेमरेज हो जाता है, पर्दा सिकुड़ जाता है, ऐसे कंडीशन में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस नाउअडेज द विटो रेटिना सर्जरी का सक्सेस रेट और एक्सेलेंस इतनी इम्प्रूव कर गई है कि 70-80% से 90% से इसका सक्सेस रेट होता है अगर पेशेंट अर्ली स्टेज पे अगर इस बीमारी को अगर ट्रीट कराए तो। सर्जिकल सक्सेस रेट बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत इम्प्रूव कर गई है, और टाइमली पर्दे को सिकुड़ने के पहले अगर इसको सर्जरी करके उसको अगर ठीक कर दिया जाए तो आपकी रोशनी बच सकती है। इसलिए मैं लास्ट में अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की बीमारी से ना डरें। कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम इस बीमारी को डेवलप ना होने दें। उसके लिए जो मैंने आपको टिप्स और जो बातें समझाई, अर्ली डिटेक्शन, टाइमली फॉलोअप, शुगर का कंट्रोल करना, सेडेंटरी लाइफ को कम रखना, फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करना, इन सब चीज़ों से डायबिटीज़ की डेवलपमेंट में डिले होता है, और अगर डायबिटीज़ है तो रेटिनोपैथी डेवलप करने में डिले होता है। और अगर ट्रीटमेंट की ऑप्शंस आते हैं तो यू मस्ट गो फॉर द ट्रीटमेंट, क्योंकि ये ट्रीटमेंट से हम लोग 70-80% केसेस में हम लोग पेशेंट की विजन को सेव कर पा रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ जो थॉट्स, जो सोशल थॉट्स के ट्रीटमेंट से आँख खराब होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में अब शंकर अंतरालय, दिल्ली एम्स, चेन्नई या US, UK, एवरीवेयर कहीं जाइए, ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर यही है। आँखों में अगर इंजेक्शन देना, सर्जरी करना या लेजर करना, इससे हम लोग आँखों को सेव कर सकते हैं। थैंक यू। आज मैं डायबिटिक रेटिनोपैथी पे यहीं पर अपना टॉक फिनिश करता हूँ, और ये तो मेरा पहला टॉक था, और मुझे लग रहा है इस कोविड पीरियड में मैं टाइम टू टाइम आप लोगों से लाइव चैट पे आऊँगा और अलग अलग डिजीज़ को लेते हुए आऊँगा, सो दैट हम लोग घर बैठे बैठे जितनी अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकें, जितने क्वेरीज को हम लोग सॉल्व कर सकें वो करेंगे हम लोग, और इस कोरोना पीरियड में जितना सेफ रहे, अपने घर पर रहें, वो बहुत अच्छी है बात है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने क्वेरीज हैं मैं इस लाइव चैट के माध्यम से आपको मैं सॉल्व कर सकूं। अब कुछ क्वेरीज हैं हमारे पेशेंट्स का जो मैं वन बाय वन में इसको आंसर करता हूं। थैंक यू सो मच सर डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में विस्तार से बताने के लिए। एक व्यूअर्स हैं जो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी पेशेंट को कितने दिनों में कम से कम फॉलोअप के लिए आना चाहिए। अच्छा, ये मैंने डिस्कशन में ही मैंने ये बता दिया कि पेशेंट का फॉलोअप कैसा होना चाहिए। अगर पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज़ है, यंग डायबिटिक पेशेंट है, अगर 15-16 साल 14 साल की उम्र में डायबिटीज़ हो जाती है, ऐसे पेशेंट का पहला आई चेकअप 5 ईयर्स के बाद होना चाहिए। और दूसरा पेशेंट एक दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़ जो ओल्ड एज वाले पेशेंट्स होते हैं जिसमें 40 ईयर्स के बाद डायबिटीज डिटेक्ट होती है, ऐसे पेशेंट को इमिडिएटली आई चेकअप होनी चाहिए, रेटिना चेकअप। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द डिजीज़, अगर डायबिटीज़ है तो फॉलोअप डिफरेंट होगा, और डिजीज नहीं है तो ईयरली फॉलोअप करते रहना है। मिस्टर वीरेंद्र आर्य का कुछ क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं मिस्टर वीरेंद्र आर्य, हम आपके क्वेश्चंस को हम लोग आंसर कर सकते हैं। आंसर माय क्वेश्चंस वीरेंद्र आर्य, आप एक बार अपने क्वेश्चंस को अगर रिपीट कर सकते हैं तो हम लोग उसके आंसर्स को
करते हैं? Answer my question. मिस्टर वीरेंद्र आर्या, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो मेरा सजेशन होगा कि अगर आप क्वेश्चन जो आपकी है वो आप इनबॉक्स पे आप दे सकते हैं, आपको हम लोग आंसर्स कर देंगे उसका। आपका क्वेश्चन हमें दिख नहीं रहा है। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में विस्तार से बताने के लिए। डियर व्यूअर्स, इस संबंध में आपको कोई भी समस्या हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में डाल दें या 06517100100 एवं 06517100150 पर कॉल करें। हम आपके सभी प्रश्नों को डॉक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर उसका समाधान बताएंगे। धन्यवाद। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू।